P are at the body center. What is the formula of the compound? What are the coordination numbers of P and Q? ठीक है, तो अब इसके अंदर ये एक जो हिंट यहाँ पे है वो है बॉडी सेंटर. लैटिस, ये लैटिस कैसा है? बॉडी सेंटर. ठीक है, अब बॉडी सेंटर में हमें क्या पता है कि बॉडी सेंटर के अंदर एक तो बॉडी के सेंटर पे होता है, बाकी आठ कॉर्नर्स पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्क्रीन पे नहीं आ रहे. हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में कह रखा है कि कौन सा बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, पी या क्यू? क्वेश्चन तो पढ़ लो. पी इज एट द बॉडी सेंटर. पी इज एट द बॉडी सेंटर. यहां पे ठीक है. एंड द क्यू एटम्स ऑफ क्यू आर एट द कॉर्नर्स. क्यू जो है वो कॉर्नर्स पे. Q at the corners. इतनी सी बात तो क्लियर है सबको? Yes or no? ठीक है, अब वो बोल रहा है इसका फॉर्मूला बताओ. अगर हम ये एक यूनिट सेल को देख रहे हैं और अगर हम पूरे लैटिस को देखें तो हमें एक यूनिट सेल पूरा रिप्रेजेंटेशन देता है पूरे लैटिस का. Yes or no? है ना, तो अगर हम जो यूनिट सेल में फॉर्मूला निकाल सकते हैं वो ही लैटिस का भी फॉर्मूला होगा और वो ही सॉलिड का भी फॉर्मूला होगा, क्योंकि यूनिट रिप्रेजेंट्स द लैटिस, लैटिस रिप्रेजेंट्स द होल सॉलिड. है ना, तो अब इस केस में What we have to do is, तुम्हें बस वही चीज करके दिखाना है. Q पे 8 corners और 1/8 part of Q is coming. तो Q के कितने atom present है इस unit cell में? एक. और अगर हम बात करें P, P के अंदर एक present है, पूरा का पूरा present है, तो उसके अंदर कितने atom है उसके? एक. तो what will be the formula of P is to Q की ratio क्या है? It is 1:1. तो formula of the compound is PQ. ठीक है, अब कह रहे व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ पी एंड क्यू. तो ये जो क्यू वाला जो पी वाला एटम है ये कितनों से डायरेक्टली टच में होगा? ये इन आठ के आठ से डायरेक्टली टच में होगा. तो कैन आई से दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी इज 12 इज 8 बीसीसी में. कैन आई से जो बॉडी सेंटर वाला है वो कितनों के साथ टच में होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. और जो कॉर्नर वाला है, अगर सपोज एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है कोई, तो जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो भी आठ बॉडी सेंटर के साथ टच में होता है. एक इसके ऊपर वाला क्यू, एक इसके साइड वाला क्यू, ऐसे चलते हुए ये एट के साथ टच में होता है. तो बॉडी सेंटर के अंदर कॉर्नर वाला भी एट कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है और जो सेंटर में है वो भी एट कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है. तो मैं इसका तो मैं साफ साफ दिखा सकता हूं कि इसका एट कॉर्नर्स पे जो है वो सारे के सारे इसके एग्जैक्ट नेबर्स हैं. तो इसके अंदर बॉडी सेंटर पे तो तुम्हें एट पता चल ही रहा है, कॉर्नर पे तुम्हें मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा या फिर हमें मॉडल लाने पड़ेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर तुम यही भी याद रखो कि हाँ आठ, उसके आसपास आठ क्यूब्स हो गए ना, तो आठ क्यूब्स के आठ कॉर्नर्स इसी के टच में आते हैं, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा. नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उनके नेबर्स कितने हैं, तो इसके नेबर्स 8 हैं. इस ब्लू वाले के जो नेबर होंगे वो ये ब्लू वाले नहीं होंगे, वो रेड वाले होंगे क्योंकि वो डायरेक्ट टच में आते हैं. तो इसका एक, इसके साइड वाला एक, इसके ऊपर का एक, इसके आगे एक, एक इसके बिल्कुल पीछे 4. तो 8 ब्लू के नेबर रेड है, रेड के नेबर ब्लू है, तो जो इस ब्लू के डायरेक्ट नेबर्स हैं वो 8 ब्लू है, और जो इस ब्लू सॉरी रेड के नेबर्स 8 ब्लू वाले हैं, और जो ब्लू के नेबर्स होंगे दे विल बी 8 रेड वंस. तो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है. ठीक है, तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन?